तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बताएंगे अगर आपके भी व्हाट्सएप एप्लीकेशन में आक्स मेटा एआई ऑप्शन आ रहा है और आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो ऑप्शन, इसको किस तरह से रिमूव या फिर किस तरह से हटाया जा सकता है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरे स्टेप स्टेप आपको पूरे लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे अगर आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन ये जो अपडेट वाला ये जो एआई ऑप्शन है ये अगर आ रहा है और आप हटाना चाहते हैं तो दोस्तों आप किस तरह से हटा सकते हैं आज की इस वीडियो में, यही बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए फटाफट से कर लेते वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आप अपने जो यहाँ पर आस मेटा एआई एनीथिंग ऑप्शन, इसको किस तरह से हटा सकते हो, हटाने का सही तरीका क्या, आज की इस वीडियो में पूरे स्टेप स्टेप आपको पूरे लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे। उसके लिए आप सभी से एक छोटा सा और प्यारा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को हर एक पार्ट को आपको पूरे ध्यान से देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखते तो दोस्तों आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आस मेटा एआई ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों ये बेसिकली व्हाट्सएप में एक एक नया अपडेट आया है और उसी की वजह से अभी के टाइम ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इससे क्या होगा, अगर आप जिस तरह से दोस्तों लगभग 5-6 महीना पहले दोस्तों आया था चैट जीपीटी, ठीक उसी तरह अभी के टाइम में व्हाट्सएप में अगर आप यहाँ पर कोई भी अगर क्वेश्चंस को अगर आप यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं, अगर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर रिप्लाई या फिर दोस्तों आप जिस अगर आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं वो दोस्तों एआई आपको कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आपको दे देगा। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है इसको रिमूव करना हटाना चाहते हैं, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिला है वो किस तरह से ला सकते हो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि आप रिमूव किस तरह से कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह से प्रेस करके रखना है, इसे प्रेस करके रखना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एफ इन्फो, आपको सीधे से यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पूरे ध्यान से देखना है और यहाँ पर आने का दोस्तों आपको यहाँ पर देखिएगा क्लियर ऑल डाटा, आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्लियर ऑल डाटा नहीं करना है, आपको क्लियर कैच कर देना है और क्लियर कैच करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको लिखा है एप परमिशन, एप परमिशन पर आपको सीधे से यहाँ पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखिएगा अगर आपको यहाँ पर सभी सेटिंग को अगर अलाउ नहीं है परमिशन तो दोस्तों सभी को आप एक एक करके यहाँ पर अलाउ कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं भी यहाँ पर फटाफट से हर ऑप्शन के यहाँ पर मैं अलाउ कर देता, तो दोस्तों आप भी यहाँ पर एक एक करके आप यहाँ पर अलाउ कर दीजिएगा, तभी दोस्तों ये अच्छी तरह से वर्क करेगा। और अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको एक क्या करना है, आपको एकदम बैक चले आना है और बैक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है इसको सबसे पहले यहाँ पर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर सर्च करना है व्हाट्सएप और ये व्हाट्सएप लिखने के बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पर अपडेट करने को दिखा रहा है, अगर अपडेट मांग रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पर अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को आप यहाँ पर अपडेट कर दीजिएगा। और अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बैक चले आना है और बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आप अपने क्रोम ब्राउजर या फिर दोस्तों आप अपने गूगल पर चले आइएगा और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको पूरे ध्यान से देखना है, आपको यहाँ पर एक दोस्तों व्हाट्सएप का जो दोस्तों ओल्ड वर्जन ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। आपको यहाँ पर लिखना है व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन और ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों फास्ट में आता है वेबसाइट, आपको सीधे से यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी एक व्हाट्सएप का ओल्ड वर्जन व्हाट्सएप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप सीधे से उसको लॉग इन वगैरह अपने मोबाइल नंबर से कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका व्हाट्सएप का जो चैट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है आपका जो बैक है उस बैकअप को आप ले लीजिएगा, तभी आपका जो व्हाट्सएप का जितना भी चैट है वो दोस्तों डिलीट नहीं होगा। अगर किस तरह से बैकअप करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं उसका दोस्तों ट्यूटोरियल वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो पर मैंने पूरे लाइव प्रूफ के बताया है कि आप किस तरह से अपने चैट को बैकअप कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप जो व्हाट्सएप का एआई ऑप्शन उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, उस वीडियो में पूरे ए टू जेड बताया, वो वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वो कर बैकअप लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, सीधे से अपना जो व्हाट्सएप है
आपने जो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था उसको सीधे से आपको अनइंस्टॉल कर देना है, और आपने जो ओल्ड वर्जन व्हाट्सएप को आपने इंस्टॉल किया है उसको आपको लॉग इन करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया। यहाँ पर देखिएगा, मैं अगर आपने व्हाट्सएप पर ओपन करता हो तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी एआई ऑप्शन या फिर आस्क मेटा एआई ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह से बहुत इजीली अपने व्हाट्सएप से दोस्तों आस्क मेटा एआई ऑप्शन को आप बहुत इजीली रिमूव या फिर दोस्तों डिलीट या फिर आप हटा सकते ही। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया। अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ा भी नॉलेजेबल और यूजफुल हुआ तो दोस्तों वीडियो में एक अच्छा सा और प्यारा सा कॉमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो एआई ऑप्शन है, अगर अभी तक आपको क्या मिला है या नहीं मिला है कॉमेंट में, वो भी जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये ऑप्शन मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।